This call is now being recorded. बच्चा कैमरा ऑफ करो. ओके बच्चे, तो हमारा रिवीजन चल रहा था नंबर सिस्टम का, जिसमें हम कहां तक पढ़ चुके हैं. हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, हमने होल नंबर पढ़ लिया कि क्या होता है. प्लीज कैमरा ऑफ करवा दो. हाँ हाँ बच्चा, कैमरा ऑफ कर लो. ठीक है, तो नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर हमने पढ़ लिया कि क्या होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम इन दोनों पर ऑपरेशंस भी पढ़ चुके हैं. ऑपरेशन हमें पता है फोर टाइप के होते थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, तो हम आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चा, हम इंटीजर्स पे ऑपरेशन करेंगे. इन दोनों पे हम कर चुके हैं, इन दोनों पर हम पढ़ चुके हैं. अभी हम यहाँ पर इंटीजर्स की बात करेंगे कि इंटीजर्स. बच्चा कोई भी माइक कैमरा ऑन नहीं करेगा. मैम आवाज नहीं आ रही. एक सेकंड बच्चा, अभी भी नहीं आ रही आवाज? किसको नहीं आ रही? अब आ गई मैम, पहले कट कट के आ रही थी. कोई बात नहीं बच्चे, वो किसी ने माइक ऑन कर लिया था ना, इसीलिए मना करते हैं माइक ऑन करने को कि मेरी वॉइस कम हो जाती है उससे. ठीक है बच्चा, अगर कोई बच्चा नया है तो आप यहाँ पर थ्री डॉट्स पे जाके सबसे नीचे एक्टिविटी में जाके यहाँ पोल में जाके क्या कर सकते हैं, एबीसीडी पर टिक करो जो सही आंसर लगता है और यहाँ पर बोर्ड पे दबा दो, तो आपका आंसर मेरे पास आ जाता है पोल वाले क्वेश्चन का. ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन इंटीजर, जो कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से. आप यहाँ पर हम देखेंगे कि टू इंटीजर्स हम ले रहे हैं जिसके मल्टीप्लाई की बात करें, तो इंटीजर्स में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं. तो आपको बहुत टाइम मिलेगा कि एक ही क्वेश्चन में आपका क्या है, दो नेगेटिव वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, या फिर एक नेगेटिव एक और एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रही. इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके होल नंबर से डिफरेंट होते हैं. तो सबसे पहले बच्चा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके हेल्प से समझेंगे. यहाँ पर देखो बच्चा, आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जब सेम साइन आते हैं. ठीक है, अगर दोनों नंबर्स का सेम साइन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और आपका डिफरेंट साइन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम देखेंगे. यहाँ पर देखो बच्चा, इन दोनों का सेम साइन है ना, दोनों ही प्लस के हैं. यहाँ पर देखोगे तो इन दोनों का भी सेम साइन है, दोनों ही नेगेटिव के. बच्चे जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जब सेम साइन के क्वेश्चन होते हैं, तो आंसर हमेशा प्लस में ही आता है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 48, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 48, और साइन में देखे तो ये माइनस, इस वाले माइनस को, ये माइनस है, एक और माइनस है, क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर पॉजिटिव होता है. तो आपको याद रखना है बच्चा कि अगर टू नंबर सेम साइन के, सेम साइन का मतलब है कि दोनों ही पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव है, इनका आंसर हमेशा ही पॉजिटिव होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चा, अब अगर दोनों नंबर डिफरेंट साइन के, यहाँ पे देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, सेम यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इस केस में क्या होता है बच्चा, सबसे पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 48 ही आएगा. लेकिन बच्चे जब हम डिफरेंट साइन लेते हैं, क्या बच्चा 48 ही आएगा ना, 12 का मल्टीप्लाई 4 में करो कितना आएगा, और 12 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 48 ही आएगा ना. ठीक है, अब हम साइन की बात करें, तो जब हमारे डिफरेंट साइन होते हैं, मतलब एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो, तो इस केस में क्या होता है बच्चा, आंसर हमेशा ही नेगेटिव रहता है. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा. तो बच्चा जब भी आप टू नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर दोनों नंबर या दोनों इंटीजर्स एक ही साइन के, एक ही साइन का मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा. लेकिन अगर डिफरेंट साइन के हैं कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा. चलिए बच्चे इसका रूल भी देख लेते हैं. तो रूल आपका क्या है बच्चा, कि यहाँ अगर आपका पॉजिटिव, आवाज नहीं आ रही मैम, बाकी बच्चों को भी मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चा,
आ रही है मैम। अच्छा फिर आप रिज्वाइन कर लो। ओके यहाँ पे देखो। हाँ हाँ ओके, जिसको नहीं आ रही है प्लीज रिज्वाइन। हम क्या बता रहे थे बच्चे कि अगर हमने सेम नंबर्स को सेम साइन के नंबर को मल्टीप्लाई किया जैसे प्लस प्लस का तो आंसर प्लस में आएगा, और माइनस माइनस का तो भी आंसर प्लस में आएगा। बेटा मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो। रिज्वाइन भी कर लिया तो बच्चा हो सकता है बादल वादल हो रहे हैं ना तो थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू हो रहा होगा। माइनस है और प्लस है, अगर डिफरेंट साइन का है तो हमेशा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ओके चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं कि आपका जो इंटीजर्स है अगर वो बहुत सारे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर की बात कर रहे थे, अभी हमने सिर्फ टू इंटीजर्स की बात करी, अगर मोर देन टू इंटीजर्स हो तो हम क्या करेंगे ये हम देख लेते हैं। ओके देख लेते हैं अभी पे। अब हमने आपको बढ़ाया था कि सम मतलब सॉरी इवन और ऑड क्या होता है, आपको याद है इवन और ऑड हमने आपको बताया था, अभी आंसर मत दो, आपको याद है जब हमने इवन ऑड बताया था आपको, सबको याद है इवन क्या होता है, जीरो टू फोर सिक्स एट, ये जो नंबर्स होते हैं या वो नंबर जिनके एंड में ये डिजिट्स आती हैं वो सारे ही क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। ओके और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो आपके वन थ्री फाइव सिक्स सॉरी वन थ्री फाइव सेवन और नाइन, ठीक है ये सब आपके क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं, या फिर जिनके नंबर के एड में ये वाले नंबर आते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ठीक है और डेफिनेशन यही होती है इवन की, वो नंबर जो टू से डिवाइड हो जाते हैं इवन होते हैं, और जो नंबर टू से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है या शॉर्टकट आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसके एंड में, जिस भी नंबर के एंड में वन थ्री फाइव सेवन नाइन आता है वो सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं। बच्चे स्लाइड में कुछ दिक्कत हो गई इसलिए वो हिंदी की आ रही है, क्लास तो इंग्लिश की ही है, स्लाइड में थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके मैं आपको बता तो रही हूँ इसका मतलब है टू और मोर देन टू इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चा ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये हमें साइन डिटरमाइन करने में, साइन फाइंड करने में हेल्प करता है। कैसे, अगर हम ऐसे क्वेश्चन में जहां भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हम देखेंगे कि नेगेटिव साइन कितने नंबर में आ रहा है। ठीक है हमें देखना है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है तो अगर बच्चे जो आपका नंबर है नेगेटिव साइन का वो ऑड नंबर बार आ रहा है तो आंसर आपका हमेशा ही किस में आएगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ओके और अगर हमारा जो साइन है नेगेटिव का वो किस में आ रहा है, वो हमें इवन में आ रहा है, क्या बच्चे तो आंसर प्लस में आएगा। बच्चा क्लास हिंदी में नहीं आ रही है, हम आपको इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, स्लाइड का कुछ प्रॉब्लम हो गया वो हिंदी में आ रही है, मैं बता रही हूँ ना हम क्या पढ़ रहे हैं, टू और मोर देन टू का मल्टीप्लिकेशन। ओके हमने आपको क्या बताया, ऑड इवन बताया, ऑड क्या होता है वो नंबर जो टू से डिवाइड हो जाते हैं या इनके एंड में जीरो टू फोर सिक्स एट आता है। ओके और ऑड आपके क्या होते हैं, वो जो टू से डिवाइड नहीं होते और जिनके बाद वन थ्री फाइव सेवन नाइन आता है। ओके अब ये हमारा हेल्प करता है साइन फाइंड आउट करने में जब टू या मोर देन टू इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके कैसे हेल्प करता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे ये वाला देखेंगे, यहाँ पर साइन गिनेंगे कितने साइन है बच्चा, कितने नेगेटिव साइन है, सबको पता है थ्री है, थ्री आपका कैसा नंबर होता है, थ्री आपका ऑड नंबर होता है। तो हमने बताया जब हमारा माइनस साइन किसी भी क्वेश्चन में ऑड नंबर बार आ रहा है तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ओके
नहीं बच्चा यहाँ पर समझो फिर पोल करेंगे, तो ये कितना आएगा 15, और 15 और 2 कितना होएगा 30, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नंबर मतलब जो आपका नेगेटिव साइन था वो कितने बार आ रहा था, वो ऑड बार आ रहा था। ओके अब यहाँ पे देखते हैं माइनस कितने बार आ रहा है, माइनस का नंबर बताओ ऑड है या इवन। सेकेंड वाले क्वेश्चन में जल्दी से आंसर बताओ, ऑड और इवन। बच्चा अगर वॉइस नहीं आ रही है तो प्लीज रीजॉइन प्लीज, कोई बात नहीं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जहां भी मल्टीप्लाई होता है इंटीजर्स का, सबसे पहले काउंट करते हैं कितने नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, या कितना नेगेटिव साइन है। ये देखो यहाँ पर 3 नेगेटिव थे, 3 आपका क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर है बार माइनस आ रहा है तो आंसर में भी माइनस आएगा, लेकिन अगर इवन नंबर बार माइनस आ रहा है तो वो क्या होता है, आंसर उसका प्लस में आता है। यहाँ पे देखो कितने बार माइनस आ रहा है, 2 बार, 2 आपका क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, तो आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो अगर इवन नंबर बार माइनस का साइन आ रहा है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर ऑड बार आ रहा है तो आंसर माइनस में आएगा। समझ आया बच्चा, समझ आया सबको, ओके बच्चा। कोई ऐसा है जिसको डाउट हो, मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। अच्छा ओके बच्चा, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप पोल में क्वेश्चन करेंगे। ये दो क्वेश्चन करोगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ओके बच्चा आपस में बात नहीं करनी, साइन का स्पेशल ध्यान रखना है बच्चे। अगर रुको एक सेकेंड, सारे बच्चे जल्दी आंसर करो बच्चा, इसके बाद हम पोल में आंसर करेंगे, सबको सही करना। मैम पोल में आंसर कर लेंगे। नहीं पहले यहाँ करो तभी तो पता चलेगा सही कर भी रहो, ऐसे थोड़ी ना पोल में करेंगे सीधा, गलत बात। अरे सुमित बेटा आपका माइनस गायब हो गया, ऐसे क्यों? मैम एक का 30, एक का माइनस 140। अच्छा पहले वाले का भी माइनस ही होगा बच्चा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 और 5 30 हो गया। अब हम क्या करते हैं माइनस साइन देखेंगे। बच्चे ध्यान से देखो, आप लोग बहुत सारे बच्चे गलत करो। देखो एक बार माइनस आ रहा है ना, तो 1 क्या होता है, 1 तो ऑड नंबर होता है ना बच्चा। अगर ऑड नंबर बार माइनस आ रहा है तो आंसर माइनस में ही आएगा, आप लोग प्लस क्यों दे रहे हो आंसर में, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 12 144, ठीक है। नेक्स्ट अब माइनस काउंट करो, 1 2 3 माइनस है, 3 आपका क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ओके ठीक है। तो आपका क्या है, ये ऑड नंबर होता है 3, तो ऑड नंबर बार अगर माइनस आ रहा है तो आंसर में माइनस ही आएगा, अगर इवन नंबर बार आ रहा है तो फिर वो क्या होता है, प्लस आता है। समझ आ रहा बच्चा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे और सबको आंसर करना। कर लो मैम पोल में। अरे बच्चे बोलना नहीं है आपको, मैसेज करना, चलो ओके। वन सेकेंड,
क्वेश्चन क्या है? माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय द 9। कोई बोलेगा नहीं आंसर बच्चा, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, पोल में ही आंसर देना। पोल मैंने ऑन कर दिया, सोच समझ के साइन का ख्याल रख के करना। पर आंसर सारे बच्चों को करना है बच्चा, इनफ टाइम देंगे हम, लेकिन आंसर सब करेंगे। किसी को माइक ऑन नहीं करना, किसी को कैमरा ऑन नहीं करना, बस पोल ऑन करके वहां पर आंसर देना है। वेरी गुड बच्चे, जो भी आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो आप सब। बच्चा नो, कैमरा ऑफ करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होता है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो सही है क्या, फिर हम साइन देखेंगे। मल्टीप्लाई तो कभी भी गलत नहीं करना बच्चा। बच्चे आप लोग क्यों बार बार ऑन कर रहे हो, मना किया ना मैंने? फाइव सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करूंगी। जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है। बच्चा म्यूट करो, खोला नहीं है माइक। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 10, 9, 8। रियली दांत खाना चाह रहे हो? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। बच्चे अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, जल्दी से आंसर करो। और 1। वेरी गुड बच्चे, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर गलत दिया है, वो भी आपने मल्टीप्लिकेशन ही गलत कर दिया, बाकी सबने सही आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चा, देखो क्या करना था, सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई बच्चा, हमें ऐसे नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है मुझे भी। तो ये देखो 108, ठीक है। और हाँ सबका ही सही था, और यहाँ पर एक माइनस है, तो एक क्या होता है, एक आपका ऑड नंबर होता है, अगर ऑड नंबर वाला आपका क्या आया, माइनस आया, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपने भी गलत आंसर नहीं दिया होगा, गलती से दब गया होगा। हाँ मुझे भी लगता है मुझे यही करना पड़ेगा, आपके आप लोगों के बीच क्लास में नाम बोलने पड़ेंगे। आई एम जस्ट अवॉइडिंग इट कि आप लोगों को थोड़ा वैसा ना लगे कि आप मैम ने मेरा नाम लेके बोला, लेकिन अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं आंसर आपको ऐसे ही बोलूंगी कि आपने आंसर नहीं किया। चलो बच्चा ये वाला क्वेश्चन था, बोलो। ये अपने आप डिसमिस हो जाता है। क्या डिसमिस हो जाता है? ये फोन कट हो जाता अपने आप है। तुम्हारा फोन नेटवर्क इशू होगा बच्चा, तभी कट होता है। नो मैम, इसका फोन ही खराब है। तुमसे मैंने एडवाइस पूछी? कुछ भी बीच में जरूर बोलना। ये क्वेश्चन करो जल्दी से, तुमसे आपस में बात नहीं करनी, क्वेश्चन करो, दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। मैं यही कह रहा था पहले, मैं म्यूट कर दूंगी सबको। तो हो जाओ क्वेश्चन करो। दिख रहा है ना बच्चा, वही तरीका अपनाना है जो हमने अभी बताया था आपको, गलत नहीं करना है, गलती से गलत तो टिक करना ही नहीं है। बच्चा साइन का स्पेशल ध्यान रखना है। वेरी गुड बच्चे, अभी आधे बच्चों ने आंसर किया है, बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे।
बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। मैम टाइम स्टार्ट कर दो। अच्छा अभी बहुत बच्चों के आंसर नहीं आए, थोड़ी तो वेट करेंगे हम। जल्दी जल्दी कर दो आंसर। चुप हो जाओ बच्चे, ये क्या कर रहे हो आप? कितनी बार मना किया मैंने कैमरा ऑन करने के लिए? आप बड़े हो गए हो ना, आपको टीचर की बात सुननी चाहिए। चलो बच्चे मैं 5 सेकंड वेट करूंगी, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूंगी। बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना। जिसने भी आंसर नहीं कर रहा है जल्दी से कर देगा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 10, 9, 8। मैम 5 तक गिनती गिना करो। 5, 7, 6। नेट बंद कर देता हूँ पहले। 5। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। 3, सॉरी 4, किस पे थे हम? 3, 2, और 1। क्या हो गया आप लोगों को? इतने सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया और आधे बच्चों ने तो दिया ही नहीं, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन आप लोगों ने गलत आंसर क्यों दिया? इतना छोटा सा तो क्वेश्चन था, 10 बच्चों ने गलत आंसर दिया। ध्यान से समझो, अब अगर गलत आंसर दिया है बच्चा, ध्यान से समझोगे, यहाँ पर क्या है? सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना था, तो 35 में 2 का करोगे 70 आएगा, ठीक है? तो 70 तो मल्टीप्लाई पे आ गया। तो बच्चा जिसने ये आंसर करा क्यों किया बच्चा? इन दोनों का थोड़ी ना करना था, हमें पूरे का करना था, तो हमें सारे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 70 आएगा। हाँ 70 ही आएगा ना, देखो 35 दूनी 70 और 1 का गुणा 70 ही आएगा। हाँ अब हम साइन की बात करते हैं। हाँ यू ऑलरेडी नो, गुड। साइन की बात करते हैं तो माइनस का साइन कितने बार आ रहा है? 4 टाइम्स। और 4 आपका क्या है? इवन नंबर है ना बच्चा, तो हमने आपको बताया था कि अगर इवन नंबर बार माइनस आ रहा है तो आंसर प्लस में आता है, अगर ऑड नंबर बार आ रहा है तो आंसर माइनस में आता है। तो क्या कंफ्यूजन थी बच्चा? ये आंसर प्लस का 7 आएगा, ए आएगा, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसका साइन भी गलत है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी गलत है, लेकिन इसका साइन गलत है। हो गया ऐसा है, तुम अपने डॉग को हार्वर्ड भेज दो, अगर उसके पास डिग्री है शायद दूसरा भी मिल जाए, डॉक्टरेट भी मिल जाए। समझ आया बच्चा? ओके आगे क्वेश्चन करते हैं। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया करो, फिर साइन गिना करो। ऑड नंबर बार आ रहे हैं, इवन नंबर बार, ऑड बार आ रहे हैं तो आंसर आपका माइनस में आएगा, और इवन बार सॉरी ऑड बार आ रहे हैं तो माइनस में आएगा, और इवन बार आ रहे हैं तो प्लस बार। मैम 10 तक गिनती गिना करो। क्या कहना चाह रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा मल्टीप्लिकेशन का, फिर हम। मैम हाँ मैम इवन की हिंदी क्या होती है? सम 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 संख्याएं कहते हैं इवन नंबर को। इसको कर लो, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप आंसर दे देंगे। आंसर कोई बोलेगा नहीं, सबको पोल में आंसर करना है। ऑन कर दिया मैंने, आपके पास पोल आ गया होगा, आप दे सकते हो। ध्यान से करना बच्चा, ये वाला क्वेश्चन गलत मत करना लास्ट की तरह। चुप हो जाओ और माइक ऑफ करो। मैम सी एम सर आएगा। पहली बात वो आंसर नहीं है, दूसरी बात बच्चे आप लोगों को बिल्कुल आदत नहीं है क्या सामने वाले की बात मानने की? जब मैं कह रही हूँ कि माइक ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑन नहीं करना है, तो आपको सारी बातें टीचर की नहीं माननी है क्या?
तो सिखाया तो यही जाता है ना कि टीचर की बात माननी चाहिए। फिर आप लोग उल्टा क्यों चलते हो? अगर मैं जो कहूँ उसका उल्टा ही क्यों करना है आपको बच्चे? ओके बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। बच्चे माइक हम इसीलिए ऑन रखते हैं, पहले आपका ऑफ रहता था, अब ऑन रहता है कि आपको डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो, क्योंकि कभी कभी लिखना बहुत हैक्टिक होता है। इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि आप उसका दूसरे तरीके से उपयोग करें या फिर क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए उपयोग करें उसका। चलो बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। बताइए। पांच सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी आंसर नहीं करा है वो जल्दी से कर देगा। बच्चे अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से कर दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चों जल्दी आंसर करो। 7, 6, फाइव, फोर, जी थ्री, टू, और वन। बच्चा अब जिसके पास फोन नहीं आता है वो मैसेज में आंसर। देखो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया। बच्चा देखो 15 और 15 का मल्टीप्लाई हम 11 में करेंगे कितना आएगा? 165। ओके अब ये 165 प्लस का आएगा माइनस का ये चेक करना है। हाँ तो ये आपका क्या है, 1, 2 और 3। 3 बार माइनस आ रहा है तो 3 आपका क्या है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर बार माइनस आता है तो आंसर भी किसका आता है, माइनस का आता है। तो उसी आंसर सही था। ओके चल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का, एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन। कि हम किसी भी संख्या को ऐड कैसे करते हैं, किसी भी संख्या मतलब किसी भी इंटीजर को ऐड हमें कैसे करना है और उनको सब्स्ट्रैक्ट कैसे करना है। ओके तो पहले हम देखते हैं बच्चा एडिशन के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे टू नंबर्स या टू इंटीजर जिनके सेम क्या है, सेम साइन है। ठीक है, अगर हम सेम साइन की बातें करें तो उसकी बात करते हैं। नहीं बच्चे आगे बढ़ेंगे, रिवीजन है ये बच्चा, क्लास नहीं है ना, वरना हम करवा देते हैं। ठीक, रिवीजन खत्म कर लेंगे तो हम स्कूल का पढ़ाएंगे ना आपको। मैंने माइक ऑफ ही कर दिया बच्चा। यहाँ पे देखो बच्चा ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ओके यहाँ पे देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। ओके बच्चा बात नहीं करनी, यहाँ पर ध्यान दो। तो ये क्या है, हम दो नंबर ऐड कर रहे हैं जो सेम साइन के हैं। ठीक, और कभी कभी क्या होते हैं, नो बच्चे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, हम लास्ट में ऑन करेंगे, आप पूछ लेना, पहले समझ लो, मैं ऑन कर लूंगी, कोई दिक्कत होगी पूछ लेना, फिर पोल के टाइम पे ऑफ कर लेंगे। ओके पहले समझ लो। तो क्या है बच्चे, यहाँ पर दोनों ही क्या है, डिफरेंट साइन के। ये माइनस का है, ये प्लस का, ये प्लस का है, ये माइनस का। तो जब बच्चे हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जब हमें एडिशन करना पड़ता है या फिर हमें सब्स्ट्रैक्शन करना पड़ता है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना पड़ता है कि कभी भी टू साइन एक साथ नहीं आते। ठीक है, कोई भी साइन हो, प्लस हो माइनस हो, टू साइंस कभी भी एक साथ नहीं आते। बच्चे आंसर आपको नहीं देना है, अभी सिर्फ आपको समझना है। टू साइन कभी भी एक साथ नहीं आते का मतलब क्या, यहाँ पर तो हमें दिख रहा है,
यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, पहले इन टू साइंस को मल्टीप्लाई करके एक साइन बना लेते हैं। ओके, तो जैसे अगर प्लस माइनस आ रहा है दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, अभी हमने सीखा। या फिर दोनों माइनस माइनस आ रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर टू साइंस है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके उनको एक साइन में बदल लेना है। फिर हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, फिर हम देखते हैं कि जो इंटीजर्स है हमारे पास वो सेम साइन के आ रहे हैं या फिर डिफरेंट साइन के आ रहे हैं। सेम साइन डिफरेंट समझ लो कि दोनों ही पॉजिटिव के हैं या दोनों ही नेगेटिव के हैं, ठीक है, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इस तरह की बात कर रहे हैं अगर, ठीक है। तो जब बच्चा सेम आता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर को एड कर देते हैं। हाँ सिंपल है बच्चा, पर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन और अगर डिफरेंट साइन के हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ओके। और लास्ट में आपका तीसरा स्टेप आता है साइन का, कि आंसर में कौन सा साइन आएगा। तो बच्चा जब हमने ऐड करके आंसर निकाला है, बच्चा आप हैंड रेज करो कुछ पूछना, जब हमने ऐड करके आंसर निकाला है तो हमारा नंबर वाले ही साइन आएगा। जैसे हमने माइनस माइनस वाले को ऐड किया है तो आंसर में भी माइनस आएगा, अगर हमने प्लस प्लस वाले को ऐड किया है तो आंसर में भी प्लस आएगा। लेकिन अगर हमने बच्चा सब्सट्रैक्ट करके आंसर निकाला, ठीक है, हमने दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करा है तो हमारा जो जो साइन है आंसर का वो क्या आएगा, ग्रेटर नंबर का आएगा। ओके चलो ये वाला करके देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये, यहाँ पर कहीं भी टू साइन एक साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यहाँ भी एक साइन है, यहाँ भी एक साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप छोड़ देंगे। यहाँ पे देखेंगे, अब देखेंगे क्या दोनों इंटीजर सेम साइन के हैं, यस, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो दोनों अगर सेम साइन के हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को एड कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ओके, अब जब हम ऐड करके आंसर निकालते हैं तो मैंने क्या बताया था, आंसर में वही साइन आएगा जो हमारे नंबर का है। तो ये नंबर भी प्लस का है, ये नंबर भी प्लस का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चा, अब यहाँ पर हमारा क्या है, टू साइन एक साथ आ रहे हैं ना बच्चा। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे टू साइन एक साथ आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो क्या होएगा, माइनस 12, माइनस 4। अब ये देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। ओके, अगर दोनों नंबर के सेम साइन है तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और नंबर का ही साइन आंसर में जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस का 16। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चा, दो अलग अलग साइन है, दो साइन तो एक साथ आ नहीं रहे, ये आपका माइनस का है, ये आपका प्लस का है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे, हमेशा सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 12, सॉरी 16 में से क्यों हटा दिया मैं, सॉरी बच्चे, देखो 12 में से 4 का टाइम क्या रिपीट करना बच्चा, कौन सा वाला, ठीक, और साइन हमेशा किसका आता है, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर 12 है, तो इसका साइन आएगा, क्या रिपीट करना बच्चा बताओ। सेम हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि दो साइन तो एक साथ आते नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 और माइनस 4, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ओके, अब ये प्लस का है, हाँ ये माइनस का है, तो दोनों अलग अलग साइन है ना बच्चा, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, और आंसर में साइन किसका आता है, ग्रेटर नंबर का, तो 12 किसका है, पॉजिटिव का है, तो आंसर किस में आएगा बच्चा, पॉजिटिव में। समझ आया बच्चे, सिया सरन जो भी आपका नाम हो बच्चा, रियल में क्या पूछना था आपको, क्या रिपीट करवाना था बोलो, यहां तक समझ आया बच्चा। देखो मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है क्या टू साइन एक साथ आ रहे हैं, अगर हाँ तो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फिर हम देखेंगे कि जो टू इंटीजर्स हैं वो अलग अलग साइन के हैं तो हम क्या कर देंगे, उनको माइनस कर देंगे, और सेम साइन के हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे। ओके, और जब टू साइन सेम होते हैं इंटीजर्स के तो उनका आंसर वही आता है जो नंबर में होगा, ठीक है, मतलब साइन उनका वही रहता है। लेकिन जब हमने सब्सट्रैक्ट किया है, हाँ बच्चे, कि हमने जब क्या करा है,
डिफरेंट वाले इंटीजर को सॉल्व किया है तब आंसर में आपका साइन किसका आता है, ग्रेटर वाले का. ओके चलो, अगर ये आसान था तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जिसमें एक से ज्यादा नंबर होंगे, यहां पर ध्यान देंगे. अब यहाँ पर देखो टू नंबर नहीं है, टू से ज्यादा नंबर है, तो लेकिन हमारा तरीका वही रहेगा. सबसे पहले हमें क्या देखना है, कहीं भी टू साइन आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करो, ये करेंगे ना बच्चे. ठीक है, टू साइन आ रहे हैं तो हम पहले उनको सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे सेम साइन वालों को ऐड कर देंगे. ठीक है, सेम साइन वालों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. आंसर दो फिर. ठीक, और फिर अगर अलग अलग साइन का कोई बचा है तो उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे. क्वेश्चन से समझाऊंगी मैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन से समझाते हैं. देखो अभी हमने आपको क्या बताया था कि कहीं भी टू साइंस आ रहे हैं तो उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, तो माइनस और प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आया, ऐसा बन गया ना बच्चे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस का बन गया. अब हमने आपको क्या कहा था, जहां भी सेम साइन के नंबर हो उनको ऐड कर देते हैं, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों का हो जाएगा 16 हो जाएगा. अब 16 माइनस 11 है, मतलब ये प्लस का है, ये माइनस का है. अलग अलग साइन का होता है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, और आंसर में साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो 16 बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा. अब समझ आया बच्चों, जिसको भी डाउट था समझ आया बच्चे. चलो सेकंड वाला ट्राई करो आप जल्दी से, सबको समझ आ गया तो सेकंड वाला ट्राई करेंगे. जल्दी जल्दी ट्राई करो बच्चा सेकंड. चलो मैं माइक भी ऑन कर देती हूँ, कहीं भी किसी को दिक्कत आए तो पूछ लेना. पोल शुरू करने से पहले मैं ऑफ कर दूंगी. देखिए नो बाय बच्चा, पहले पूरा पढ़ के जाओ, भी है ना पोल में भी क्वेश्चन करने हैं सब्सट्रैक्शन के, कोई कहीं नहीं जाएगा. मैम मुझे नहीं आया. मैं दोबारा समझाती हूँ, कोई बात नहीं बच्चे, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है. देखो सबसे पहले हमने क्या बताया, कहीं भी टू साइन आ रहा है उनका मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं इनका मल्टीप्लाई करो, इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई हमें बताना, अगर एक प्लस का और एक माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस में ही आएगा, और दोनों माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में आएगा. इतनी छोटी सी बात याद रखनी है आपको. ओके, तो यहाँ देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 12, माइनस 4 और माइनस 11. हमने आपको क्या बताया था कि जब सारे नंबर के जो साइन है वो एक से होते हैं, ठीक है, नंबर के साइन जब एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. तो 12 में 4 ऐड करोगे 16, और 16 में 11 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 27. अब हमने आपको क्या बताया था, जब हम ऐड करके आंसर निकालते हैं तो आंसर में हमेशा वही साइन आता है जो नंबर का था, तो सारे नंबर माइनस के थे ना बच्चा, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस 27 हो गया. ओके अब समझ आया. यस मैम, थोड़ा बहुत समझ आया. ओके, मैं बाकी क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करती हूँ. देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो नंबर कभी भी साथ नहीं आने देना. तो ये दोनों देखो साथ आ रहे हैं, सॉरी दो साइन साथ नहीं आने देना, दो चिन्ह साथ नहीं आने देना. तो जहां भी साथ आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना बच्चा. तो ये कितना हो गया, 11. अब हमने आपको क्या बताया था, सेम साइन के ऐड होते हैं. तो ये देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. कितना हो गया, 15. अब क्योंकि दोनों प्लस के थे तो ऐड होकर भी प्लस में ही आएंगे. अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का, तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को, जो ग्रेटर वाला नंबर है उसमें से स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और साइन हमेशा किसका आता है, ग्रेटर नंबर का. तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ओके बच्चे अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये देखो दो एक ही साथ आ रहे हैं साइन, मल्टीप्लाई करो इनका. यहाँ पर दोनों एक साथ आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करो इनका. ठीक, अब जो नंबर सेम साइन के क्या करेंगे, ऐड करेंगे. 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16, और एक माइनस 1. अब देखो अलग अलग आ रहे हैं,
तो हम क्या कर देंगे, सब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 16 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 5, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। समझ आया बच्चा, पोल में क्वेश्चन करें इसके बाद? यस मैम। किसी को नहीं आया, किसी को नहीं आया बच्चा तो पूछ लो, क्योंकि गलत नहीं करना बच्चे। आ गया मैम। ओके बच्चे, चल फिर हम फोर्थ रिपीट, क्या क्या रिपीट करूं, फोर्थ वाला। ओके हाँ वही वाला। देखो क्या करना है, मैं सबसे पहले टू साइन जहाँ एक साथ आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है। ओके तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस आ रहा है तो मल्टीप्लाई होके क्या होगा, प्लस। यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, बेटा जाना नहीं है अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सेम सेम साइन वालों को ऐड कर देते हैं, 12 में 4 ऐड होगा 16 होगा ना, और सेम साइन वाले में सेम ही साइन आता तो दोनों प्लस का था, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस वाला। ओके तो ये डिफरेंट साइन के हैं तो हम इनको माइनस कर देंगे, और साइन इसमें किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, 16 का, तो प्लस का 5 आ गया। ओके चलो क्वेश्चन करेंगे बच्चा, जाना किसी को नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे अभी, वो भी पोल में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसे सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, फिर हम इसका आंसर माइक बंद पोल में। हाँ बच्चे आई विल, जल्दी से कर लेंगे बच्चे, फिर इसका आंसर हमें पोल में करना है, मैं पोल ऑन कर रही। वेरी गुड बच्चे, आप लोग सही आंसर कर रहे हो, सबको आंसर करना है। इसके बाद हम दो और क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना ही। फिर वेरी गुड बच्चे, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। बच्चे जिसने आंसर नहीं करा जल्दी से कर दो, ओके अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करो, 5 सेकंड देते हैं फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी 11 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी आंसर करेंगे। अच्छा हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी जल्दी कर दो। 10, जिसने कर दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो कर देगा। 9, 8, 7, बच्चे आप लोग आंसर कर नहीं रहे हो, आप जिसने भी नहीं किया जल्दी से कर दो। 6, 5, 4, 3, 2, 1। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही किया है बच्चे, 2-4 बच्चों को छोड़ के, तो आप जिसके पास पोल नहीं आता वो आंसर कर सकता है।
जल्दी से मैं बता देती हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां भी टू साइन आ रहे हैं मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस इलेवन और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस फाइव और माइनस थ्री, देखो सारे ही नंबर किसके हैं माइनस के, तो क्या हो जाएगा सारे ही ऐड हो जाएंगे, और जब हम ऐड करके आंसर निकालते हैं तो आप सबको पता है क्वेश्चन का ही साइन आता है, क्वेश्चन के नंबर का ही साइन आता है, तो सही आंसर क्या था माइनस नाइन। ठीक है बच्चे, चलो आगे क्वेश्चन करेंगे बच्चा, दो क्वेश्चन और बचे हैं वो भी करेंगे आज, अब इसके बाद एक और, चलो क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। हम यहाँ पर देखना पुराना वाला क्वेश्चन नहीं है, नंबर भले ही तुम्हें सेम दिख रहे हैं पर क्वेश्चन अलग है, तो आपको सॉल्व करना है, जस्ट बिकॉज के नंबर सेम है तो आपको आंसर वही नहीं देना है, सब लोग सॉल्व करेंगे और पोल में आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन आप सबको बताइए क्या है, माइनस इलेवन माइनस माइनस का फाइव प्लस और ब्रैकेट में माइनस का थ्री, मैं वही कह रही हूँ साइन भी चेंज हुआ, नंबर सेम है इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर भी सेम आएगा, ध्यान से करना सॉल्व करके आंसर देना। आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो बच्चा, साइन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो, जिसने कर दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से करेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे फिर ही उसे सॉल्व करके आंसर देंगे, नंबर सेम है इसका मतलब ये नहीं है आंसर भी सेम होगा, मैं रिपीट कर रही हूँ ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करना। अभी सिर्फ 18 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, जल्दी जल्दी करो, आधे बच्चों ने आंसर नहीं दिया अभी। बच्चे 5 सेकंड दे रहे हैं फिर हम काउंट करेंगे, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी करो, 9 8 बच्चा आंसर कर दो जल्दी से, 7 6 4 हेलो सॉरी 5 4 3 2 और 1। बच्चे आप लोग गलत क्यों कर रहे हो, 10 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था बच्चे कि आप लोग 10 बच्चे आंसर गलत दो। देखो क्या करना था, जहां भी टू साइन एक साथ आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो,
तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने आपको क्या सिखाया था कि सेम साइन वालों को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 14। ठीक है, सेम साइन वालों को ऐड करते हैं तो साइन भी वही रहता है ना बच्चा, तो आपका क्या होगा माइनस 14 और प्लस 5। ओके, तो अब इसका अलग साइन है, इसका अलग साइन है, जब डिफरेंट साइन का होता है तो हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो कितना आएगा बच्चा 9 आएगा, और साइन हमेशा किसका आता है ग्रेटर नंबर का। 9 बच्चा लास्ट क्वेश्चन करके जाएंगे, जाना नहीं है। ठीक, तो माइनस 9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अच्छा नहीं करते, ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हम आपको जो होमवर्क है वो सेंड कर देंगे। कोई बात नहीं बच्चा, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक बार उनको रिवाइज भी